फेवरेट टॉपिक लेके आया हूँ, फेवरेट चीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही पसंद आएगी वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट थे कि पाइथन की माइड्रोल जो है, पाइथन कंपनी की माइड्रोल है, उसके रिव्यू दो, उसके रिजल्ट बताओ, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टूडेंट रहते हैं। तो मैं पिछली बार जब मैंने जो न्यू पहले माइड्रोल आई थी उसको भी मैंने खुद भी यूज किया था, तभी मैंने उसका रिव्यू दिया था, और साथ में अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के, पर्सनल ट्रेनिंग के, उनको यूज करवा के ही मैं रिव्यू देता हूं कभी भी किसी चीज का। तो पिछली जो थी वो उसमें मेरा एक्चुअल में 120 केजी वेट था, तब भी उस पिछली माइड्रोल ने भी मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट दिए थे। पर अब बात यह है कि अब लड़के कहते हैं भाई पिछली जो माइड्रोल है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो पाइथन माइड्रोल आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा नाम कमा रही है, इसके बारे में रिव्यू दो। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं, रिजल्ट मिले कि नहीं मिले वो भी सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो अभी, क्योंकि बाद में आप करते नहीं हो भूल जाओगे, ठीक है। माइड्रोल, पाइथन की माइड्रोल जो है, चार लड़कों को मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को यूज करवाई, और जो नेक्स्ट है वो मैंने खुद भी यूज की, या पिछले 60 डेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें दो मंथ में मैंने जो है चार लड़कों को यूज करवाई, उसके रिजल्ट जो मिले हैं ऑलमोस्ट सभी को ही जो है अच्छे रिजल्ट मिले, और साथ में मैंने भी यूज करवाई, यूज की, हालांकि मेरा वेट जो है ज्यादा है, तब भी मैंने एक ट्राई किया, पर मैंने जो है पाइथन माइड्रोल अकेली नहीं यूज की, पाइथन माइड्रोल मैंने स्टैक की M1T के साथ, M1T स्टैक किया, क्योंकि मुझे पता था कि मसल मास मेरा ज्यादा है तो अकेली हो सकता है कि मतलब काम ना करे, इसलिए मैंने एक प्रिकॉशन के तौर पे कि भाई मतलब जो यूज कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से यूज करूं, मैंने M1T को स्टैक किया इसके साथ। मुझे जो रिजल्ट मिला वो 3 kg लीन मसल मास मैंने गेन किया है इसमें, आप मेरे इंस्टाग्राम वीडियोज पे, फोटोज पे देख सकते हो, आजकल जो है थोड़ा साइज जो है ज्यादा निखर के आ रहा है, थोड़ी वैस्कुलैरिटी जो है साइज में, इवन इतना साइज होने के बावजूद भी वैस्कुलैरिटी बाहर आ रही है, तो वो मुझे लगता है इसका हो सकता है चांस, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 साल से बिल्कुल नेचुरल, कोई सप्लीमेंट्स भी मैंने चलाए थे तो एकदम ये चलाया, तो मुझे इसके रिजल्ट जो मिले हैं बता रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट हैं, और जो स्टूडेंट्स को यूज करवाई है 4-4, 5-5 kg भी गेन हुआ है उनका एक साइकिल में, उनको मैंने अकेली पाइथन माइड्रोल यूज करवाई है, उनको मैंने कोई और चीज नहीं यूज करवाई, ना कुछ स्टैक करवाया, वो नेचुरल थे, मतलब कहने का मतलब है पहले वो सप्लीमेंट्स वगैरह चला रहे थे, तो रहता है कि एक ट्रिगर कोई करे, मतलब कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो क्या यूज करें जो सेफ भी रहे, तो पाइथन माइड्रोल आप यूज कर सकते हैं, 4-5 kg तक आप एक साइकिल में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट साइकिल पाइथन की चलानी है माइड्रोल की, तो आप उसको 30-40 days का गैप देके फिर से चला सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगातार ही चलाते रहें, वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, मैंने किसी को चलवाई भी नहीं है ऐसे, पर जो अगर आपने डोज भी बढ़ानी है तो पहली साइकिल आप 1 capsule से ही उसको लें। अब इसका तरीका कैसे था लेने का, वैसे तो एम्प्टी स्टमक भी बता देते हैं कहीं, पर मैंने इसको जिम से 30 मिनट पहले इस तरीके से ली, खुद भी ली और लड़कों को भी ऐसे यूज करवाई है जिम से 30 मिनट पहले। अब इसके जो रिजल्ट मिले वो लीन मसल मास गेन किया है सभी ने। पहली चीज, अगर आपकी डाइट क्लीन नहीं रहती या वाटर रिटेंशन ज्यादा रहती है, फैट परसेंटेज ज्यादा रहती है, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे? फिर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ज्यादा स्ट्रेंथ बेस्ड रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और सेकंड चीज है, आपके जो मसल मास भी गेन होगा, हालांकि वेट गेन होगा, मसल मास भी गेन होगा, पर एक्सेस जो फैट की मतलब लेयर रहती है उसके कारण, क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो मसल मास आपको विजिबल नहीं होगा, पर स्ट्रेंथ जरूर विजिबल होगी। इसके साथ साथ जो है आपको जो ये मसल मास के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देती है, और साथ में ये आपको मतलब PCT की इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को यूज करवाई है उसके साथ मैंने कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बाद में ऐड करवा दिए थे, और मैंने जो मैंने चलाई है पाइथन की माइड्रोल साथ में M1T चलाया, तो मेरी थोड़ी PCT अलग रही, क्योंकि मैंने कुछ और चीजें ऐड कर ली थी, M1T ऐड किया तो आपको पता है ना। तो अकेली अगर आप पाइथन की माइड्रोल चलाते हो तो आप ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर डाइट भी ऑन द मार्क लेते हो 4-5 kg तक आप गेन कर सकते हो एक साइकिल में, 4-5 kg तक गेन कर सकते हो। पर एक चीज है इसमें, अगर आपने बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें पहले चला ली है, जैसे कि मैंने चलाई हुई है लाइफ में, तो डी बोल, एनाड्रोल, एनावर वगैरह ये चीजें चलाने के बाद अब इसकी तरफ आ रहे हो, फिर आप थोड़ा सा अपने जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी कम रखो, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम रखो, जैसे कि मैंने पहले ही रखी हुई थी। पर मुझे पता था क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले, इसलिए मैंने पहले ही M1T ऐड कर लिया, तो मुझे भी इवन 2-3 kg तक जो लीन मसल मास और थोड़ी क्लीन जो मतलब कि मसल जो है क्लीन हुआ, शार्प हुआ थोड़ा सा, तो वो मुझे इससे लगता है इसका रिजल्ट लगता है। और बाकी जो लड़के नेचुरल थे उन्होंने थोड़ा सा एडवांस करना था, उनके लिए पाइथन माइड्रोल बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिया, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है
और साथ में बाइसेप का साइज भी आधा आधा इंच के ही होगा, बड़ा है। तो ये तो सच्चाई है भाई, पर ये चीज है कि डाइट बहुत ज्यादा मायने रखती है इसमें। अगर आप सोचो कि भाई डाइट आप नॉर्मल डाइट ले जा रहे हो, पाइथन की माइड्रोल काम कर देगी, तो मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट आएगा। सेकंड चीज है वर्कआउट भी जरूर करते रहना। अगर आप पिछला कोई वर्कआउट चल रहा है तो उसको वर्कआउट को चेंज भी करो साथ में, मैं तो यही बोलूंगा। वर्कआउट को चेंज करके डाइट में अपने नंबर ऑफ मील्स और थोड़ी कैलरीज को बढ़ाओ, गुड कैलरीज फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कैलरीज जो आप बढ़ाओ वो प्रोटीन से बढ़ाओ, थोड़ा कार्ब गुड कार्ब से बढ़ाओ, तो मैं कहूंगा कि 100% आपको रिजल्ट मिल सकते हैं पाइथन माइड्रोल के। तो ये मेरा रिव्यू था, मैं कहूंगा अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी इसको यूज कर सकते हो, रिजल्ट मुझे लगता है कि सभी को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अपना क्वेश्चन कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।